सलाम नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइनल एपिसोड ऑफ एक्सपो 2020 दुबई। आज हम फिर से सब कंट्रीज को रिकॉल करते हैं, एक बार वाइंड अप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, कैसे कैसे दिखाया गया है इन ब्यूटीफुल कंट्रीज को। तो इट वॉज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल में, एंड एवरी वन इज मिसिंग एक्सपो 2020 नाउ। जब वो है ही नहीं तो अभी सबको वो उसकी बहुत याद आ रही है कि काश एक्सपो थोड़ा और टाइम हमें देता कि हम पूरे कंट्रीज कवर कर सकें, बिकॉज लास्ट में इतना क्राउड हो गया था कि हर एक कंट्री के आगे एक एक घंटा, दो दो घंटे नहीं बल्कि चार चार घंटे वेट करने का टाइम था। तो बहुत लोगों ने सारे कंट्रीज कवर नहीं किया था, एंड एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रखे गए थे, कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीट डांस, बहुत ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी कि लोग बहुत ही एंजॉय किए थे लास्ट फाइनल एपिसोड ऑफ एक्सपो में, एंड इसका एंडिंग भी बहुत ही खास रहा था। अब क्योंकि मैंने तो एक्सपो 2020 पूरा घूम लिया था, पूरे कंट्रीज़ के मैंने स्टैम्प्स गैदर किए थे और मैंने स्टार्टिंग में ही पूरे कंट्रीज़ को शूट भी कर लिया था। अफसोस कि मुझे टाइम नहीं मिला कि पूरे कंट्रीज़ को मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए मुझे प्रायोरिटी से कंट्रीज़ को चूज़ करना पड़ा और मैंने सिर्फ कुछ कंट्रीज़ को ही आपको वीडियोस में शेयर किया था। लेकिन मेरी कोशिश में मैंने मैक्सिमम कंट्रीज़ को कवर किया था, सिर्फ कुछ छोटे छोटे पेवलियंस को मैंने छोड़ दिया कि उनको मैंने आपको नहीं दिखाया, बट ओवरऑल में सारे पेवलियंस मैंने कवर किए थे और उसके स्टैम्प्स भी गैदर किए थे मेरे पासपोर्ट में। आज ये मैं खास वीडियो बनाई हूँ मेरे पासपोर्ट के स्टैम्प्स मैं आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैंने कौन से कंट्रीज कवर किए थे। ओवरऑल में 192 कंट्रीज थे और मैंने सारे के सारे कवर किए थे। ये जो मैं पासपोर्ट दिखा रही हूँ ये अरहान का है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे इसका जर्नी शुरू किया था और मैंने कैसे कैसे स्टैम्प्स गैदर किए हैं। ये जो वाइट पासपोर्ट देख रहे हैं वो है 100 कंट्रीज़ क्रॉस करने के बाद वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एक्सेस हो गए हैं स्टैम्प्स, आपके लिए जगह नहीं है एक पासपोर्ट में, तो आप उसमें स्टैम्प करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ 192 कंट्रीज़ का ब्यूटीफुल स्टैम्प्स। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैम्प्स हैं मेरे पासपोर्ट में, एक एक कंट्री का। यू कैन चेक ऑल काइंड ऑफ कंट्री स्टैम्प्स, बहुत ही डिफरेंट स्टैम्प्स है, एंड कुछ कुछ बहुत ब्यूटीफुल है एंड क्यूट है। एंड इसके अलावा, कंट्रीज़ के अलावा भी हमने कुछ और स्टैम्प्स भी किए हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा पेविलियंस थे, तो स्पेसिफिक पेविलियंस, तो उनके स्टैम्प्स भी अलग से हैं, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का स्टैम्प नेक्स्ट बाय में है। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने डिफरेंट डेज हमने विजिट किए थे, इंडिया का भी और डे विजिट किया था और पाकिस्तान, बट अनएक्सपेक्टेडली दोनों स्टैम्प एक ही जगह आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेना पेविलियन का मैंने बोला था कि हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के वहाँ का स्टिकरिंग करवाया था और हमने नाम भी लिखवाया था, सो इट इज़ रिटन इन चेना। आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्योंकि हमने तो दिया था नाम, बट आई एम नॉट श्योर कि इफ दे हैव रिटन द एग्जैक्ट नेम और नॉट, दैट वॉज ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस।
एंड एक्सपो का पूरा मैप यहाँ पे प्रिंट है ताकि आप फ्यूचर में इसको याद कर सकें कि आपने कौन से पेविलियंस घूमे थे और फिर एवरीथिंग इट इज़ कवर्ड हियर। एंड हियर वी गो, मेरा फेवरेट पेविलियन थाईलैंड, उसका स्टैम्प भी बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही अच्छे यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स है। इट इज़ अ वेरी गुड मेमोरी आई कैन से, जब हम लोग बाद में फ्यूचर में जब याद करेंगे एक्सपो को एंड व्हेन वी लुक इनटू दिस पासपोर्ट, सो मेनी गुड मेमोरीज आर हियर। तो ओवरऑल में मेरा पासपोर्ट में आप देख सकते हैं कितने स्टैम्प्स हैं एंड हमने वो जो वाइट पासपोर्ट क्लेम किया था उसका भी स्टैम्प है एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस हमने 20 मिलियन विजिटर्स के दिन हम लोग गए थे फिर, तो हमें वो वाला स्टैम्प भी मिला था। तो बाय बाय एक्सपो एंड बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।